अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब? बहुत दिन बाद आज किचन से हुआ है व्लॉग स्टार्ट। तो जी हाँ, फाइनली मैं आ गई हूँ किचन के अंदर खाना बनाने के लिए। तो खाने में बन रहा है आज भेल भाल और मेरे बाल। ठीक है, पहले मैं इसको बांध लेती हूँ, फिर बाद में बात करती हूँ आप लोगों से। हाँ जी, तो मैंने बाल बांध लिए। आई थिंक अभी एडिटिंग करके उठी हूँ, एडिटिंग करके वीडियो पब्लिश किया। अभी आप लोगों ने वो ब्लॉग देख लिया होगा, आप लोगों को मिल गया है ब्लॉग। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ भेल भाल। ये बाबू ने लेके आए थे, उनको भेल भाल खाने का बहुत इच्छा हो रहा था, मेरा भी हो रहा था, नहीं कि नहीं हो रहा था। तो आज बस वही बनाऊंगी, और बनाऊंगी कुकर में वही अपनी झटपट रेसिपी। कोई ज़्यादा तामझाम नहीं करने का, लेकिन सबसे पहले मैं कुकर का ये हिल रहा है तो इसको मैं टाइट कर देती हूँ, अपना मल्टीपर्पस औजार हथियार जिसको कहते हैं स्पून। तो फाइनली मैंने इसको टाइट कर दिया। ठीक है, अब ये नहीं हिलेगा। डिंग 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 टक डिंग डिंग। अब मैं इसको एकदम सटासन सटासन बना दूंगी, सटासन सटासट। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करने का, खड़े में सब कुछ करने का बस। चलो थोड़ा सा कांदा काट के मिलती मैं आप लोगों से। मसाला निकालते निकालते याद आया कि मैंने तो भेल भाल बोल दी, मैंने भेल भाल बोल दी। अभी आधे लोग को भेल भाल समझता होगा और कुछ लोग को भेल भाल मतलब नहीं समझता होगा, क्योंकि ऐसे ही होता है ना। मैं कोतमीर बोलती तो कुछ तो कोतमीर किसको बोलते हैं, तो भेल भाल मतलब मिसल नहीं क्या? मिसल में खाते जो हम मिक्स चने वटाने स्प्राउट्स ऑल टाइप्स ऑफ स्प्राउट्स चौली मूंग मटकी काबुली चना काला वाला काबुली चना व्हाइट वाला छोले जिसको बोलते हैं, तो वो सारी चीजें इसके अंदर। ठीक है, और बहुत टेस्टी लगता है, मल्टीटास्किंग का काम करता है ये भेल भाल। सालन बन जाए मतलब जो भी बना दो आप, इसको चावल के साथ खाओ तो सालन, पाव के साथ खाओ तो मिसल, थोड़ा सी घाटिया डाल देने का पाव के साथ खाना है तो और मजा आ जाता है। घाटिया मतलब फ्रसान चूड़ा चूड़ा। ठीक है, अब मैं इसको वॉश कर लेती हूँ, इसको बोलते हैं कि इसको बोलते हैं। देखिए तो यहाँ पर तेल गरम हो गया, इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा जीरा। ठीक है, थोड़ी सी हींग, ये सब भेल भाल से थोड़ा पेट खराब होने का डर रहता है बाबा, मुंह को अच्छा लगता खाने। कड़ी पत्ता, ठीक है, अब इसके अंदर कुछ नहीं, मैंने यहाँ पे थोड़े से कांदे काट लिए है वो मैं ऐड कर दूंगी। अब जब तक कांदे थोड़े से पकेंगे, मैंने एक टुकड़ा गीला खोपरा मंगाया है 5 रुपए का, वो टमाटा थोड़ा सा गरम मसाला थोड़ा सा अदरक लहसुन पीस के ये डब्बे में पूरा मसाला रेडी करती हूँ। कुछ नहीं, अदरक लहसुन गीला खोपरा और कोतमीर मंगाई हूँ तो ये तोड़ूंगी, पत्तों को गार्निशिंग के लिए रखूंगी, और थोड़े से पत्ते और इसकी जो डांडी है ना डांडी वो पीसने में डालूंगी, उससे क्या टेस्ट आता है पता है? कोतमीर के पत्ते से ज़्यादा कोतमीर की डांडी को अगर पीस के सालन बनाओ ना तो खाना अच्छा लगता है मेरे को। कैसा? तो यहाँ पे मेरा है ना कांदा लाल हो गया, और ये मिक्सर में मैंने मसाला पीसा है जिसमें है अदरक लहसुन और थोड़ा सा टमाटा और खोबरा और गरम मसाला बस। अब मैं इसमें ये ऐड करती हूँ। दो टमाटर लिए मैंने छोटे छोटे से। ठीक है, क्या हुआ उसमें? लाइट देख रही? अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी सूखे मसाले। सूखे मसाले में जाएंगी थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्ची की भुक्की। ठीक है,
थोड़ा सा धनिया की गुत्थी, ठीक है, और थोड़ा सा नमक। अब इसको अच्छे से भूनना है पानी में, क्योंकि इसमें टमाटर भी कच्चा है और मसाले कच्चे हैं। अब इसको आराम से भूनना छोड़ना पानी में, जब तक ये अपना कलर बदल ना ले मसाला। अब ये मसाला भुन गया है, ठीक है। अब ये भुन गया अच्छे तरीके से, तेल भी अलग हो गया और मसाले ने अपना कलर भी बदल दिया है, देख सकते हैं आप। तो अब मैं इसको वापस एक और पानी से वॉश करती हूँ और मसाला रेडी हो गया। अब मैं सिंपल ये डाल दूंगी इसके अंदर, ठीक है। वॉश किया मैंने, उसके अंदर एक आलू का टुकड़ा ऐड किया है, उसको अच्छे से मिला लिया। अब इसमें जितना पानी मुझे चाहिए उतना मैं ऐड कर दूंगी, ठीक है। कि मैं अच्छे से 4-5-6 सीटी लूंगी, तब तक के ये जो चने बटाने ना अच्छे से गल जाना चाहिए, ठीक है। 6 सीटी तो मैं आराम से होने दूंगी। क्या बोली इस बार क्यों नहीं बनाऊ? मैं पहले आराम करूँ? हाँ। क्यों पापा, बहुत काम करी ना अम्मी ने आज? तुमको सब दिखता है, तुमको आ रही है, चलो चलो भागेंगे। सो फाइनली यहाँ पे ना ये देखिए भेल भाल गल चुका है, अच्छे से पक चुका है, इसका लुक भी अच्छा आ गया है। अब मैं इसमें कोई पानी वगैरह नहीं ऐड करने वाली हूँ, हम दोनों के लिए ये इतना गाढ़ा ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये काबुली चना भी अच्छे से गल गया है। टोटल 7 सीटी मैंने इसके लिए, यानी कि 7 बेसल्स, और उसमें ये अच्छे तरीके से पक चुका है। तो अब मैं इसमें कुछ नहीं, ये कोथमीर मैंने काट के रखी थी वो मैं ऐड कर दूंगी और बस ये खाने के लिए तैयार है। और आप लोगों को मैं ये काले कपड़े में 3 व्लॉग में दिखी हूँ, लेकिन ये तीनों व्लॉग एक ही दिन का था। पहले शॉपिंग लाई, फिर ग्रॉसरी हॉल शेयर किया और उसके बाद खाना बनाया, और उसके बाद 2 दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरी बेटी बीमार थी। मैं थक गई। अरे मैंने ना व्लॉग कुछ बनाया नहीं, कल मेरी बेटी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा उज़्मा को बहुत ज़्यादा बुखार था, तो इसलिए कल भी कोई व्लॉग नहीं बनाया मैंने। और आज भी मैंने कुछ व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं घर साफ कर रही थी, बहुत सारा सामान निकला हुआ है, बिखरा पड़ा हुआ है, घर की हालत बहुत तितर बितर है। तो मैं यहाँ पर ना कुछ चप्पलें ना फेंकने के लिए निकाल रही हूँ क्योंकि अभी वो आती नहीं और मैं पहनती नहीं है, तो मैंने सोचा बता देती हूँ आप लोगों के साथ, शेयर कर देती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि ये मेरी शादी की चप्पल है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ मेरी शादी की चप्पल। एक्चुअली मैंने निकाह में जो पहना था ना वो चप्पल अलग थी, वो रेड चप्पल थी, रेड, ठीक है। ये वलीमे की चप्पल है मेरी, दोनों भी चप्पल मेरी अम्मी अब्बा ने पसंद कर, अम्मी ने पसंद करके लाए थे शेरू के साथ, ठीक है। और ये जो स्टोन है ना, ये देखो एक आध दो निकल गए, अब 5 साल चल गई ये चप्पल। अब बस अब मैं इसको पहन भी नहीं रही हूँ, अभी मुझे बहुत ज़्यादा टाइट भी हो रही है, तो बस अब मैं इसको फेंक रही हूँ। फेंकने की इच्छा तो नहीं है खैर, लेकिन फिर भी। और यहाँ पे ऐसे कोई गरीब भी नहीं है कि किसको गरीब समझ के दे दो तो कोई ले ले, यहाँ पे तो हमसे बड़े बड़े रईस है। किसी को मोहब्बत में बोलेंगे कि भाई मेरे पास ऐसी ऐसी चीज़ है, पहनेंगे क्या कोई, तो लेता भी नहीं कोई। और ये एक शूज़ है जो है मेरे जॉब का, ऐसे हील वाले सैंडल्स पहनती थी मैं जॉब पर, तो ये मेरा आखिरी शूज़ है, जब मैं जॉब पे जाने के लिए ख़रीदी थी, नया का नया वैसे ही रह गया था, ठीक है। तो एक ये शूज़ है, लेकिन अभी पहनती नहीं हूँ, कहीं जाती आती नहीं, ये सब पहन के तो रख के क्या करूँ। एक ये चप्पल है, पता है ये चप्पल से बहुत पुरानी याद है मेरी, ये चप्पल मेरी जो कोर्ट मैरिज हुई थी ना मेरी 6 फेब को बाबू के साथ, फर्स्ट मैरिज मेरी, कोर्ट मैरिज निकाह,
जो बाबू के साथ जाके मैंने कोर्ट में किया था तब मैंने ये पहनी थी। स्पेशल ख़रीदा था मैंने ये चप्पल क्योंकि बाबू ने मुझे पिंक कलर का ड्रेस गिफ्ट किए थे, तो उसके मुझे ना पहले ड्रेस के साथ मैचिंग चप्पल पहनने का बहुत क्रेज़ था। मेरे पास एक ही टाइम पे ना 24-24 25-25 जोड़ी चप्पल रहती थी। मैं जॉब पे जाती थी ना, मेरा एक ही शौक़ था चप्पल जमा करना। एक ये शूज़ है, ये भी मेरे जॉब का शूज़ है। मुझे इससे ज़्यादा ये कंफर्टेबल लगता था क्योंकि यूनिफॉर्म रहेगा ना, ब्लैक एंड वाइट यूनिफॉर्म रहेगा ना, तो उसके साथ मैं ये पहनती थी। और जब मैंने गारमेंट ज्वाइन किया था, जैसे कि फॉरएवर 21 और प्रमोट गारमेंट में काम किया है मैंने, तो तभी मैं कलरफुल शूज़, कलरफुल बेलीज, कलरफुल चप्पल ऐसे मैं पहनती थी। तो इसीलिए मैं 24-24 25-25 जोड़ी चप्पलें जमा करके रखती थी। और वही शौक मेरी बेटी को है, अभी उसके पास भी वैसी चप्पलें जमी हैं। तो ये है मेरी शादी की चप्पल जो अभी इसका वक्त पूरा हो गया, अब मैं इसको हटा रही हूँ। तो मैंने सोचा अभी आखिरी वक्त था, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और ये पूरा थैली भर के है बाबू के शूज़, टोटल 5 शूज़ हैं उनके भी, 3 कैजुअल है, 1 मोजड़ी है, और पता नहीं है और क्या है, और 2 बाहर है, तो उनका तो छोड़ ही दो। और ये पार्सल मुझे अभी रिसीव हुआ है, जो कि मैंने नहीं बोली थी कि अब्बा के लिए पिलो मंगाई हूँ, मुझे बहुत पसंद आया मीशो का, तो वही पिलो मैंने मंगाया है, तो वो अब्बा को देना। तो बस इसी के साथ ये चप्पल जाती है, अभी मेरी ज़रूरत नहीं है, अभी मैं नहीं पहन सकती ये चप्पल। ये देखिए ये है, ये ख़राब। और एक चप्पल है, 1 सेकेंड में बताती हूँ। एक ये सैंडल है जो कि बहुत 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 प्यारी सैंडल है, और आप लोग मानोगे ये ना सरप्राइज की शादी में फर्स्ट टाइम पहनी थी, और फर्स्ट टाइम पहनते ही इसकी जो गत हुई थी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैंने टोटल 10 फेविक्विक से इसको चिपकाया था, लेकिन फिर भी ये नहीं ठहर पाई, ये बार बार ऐसी निकलती थी और मैं गिर जाती थी, स्लिप हो जाती थी। और हम लोग बहुत दूर गए थे शादी में निकाह के लिए, तो उस दिन से लेके आज तक मैंने इसको बनाया ही नहीं, वैसे उठा के रख दी। मेरे पास है, मुझे चप्पलों का बहुत शौक था पहले, अभी नहीं बोल सकती कि है, क्योंकि अभी मैं जाती ही नहीं कहीं तो क्या लेकर रखूँगी, लेकिन अभी फिर से शौक आ गया है। चलिए फिर, कल के ब्लॉग में तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, मेरे हॉल में जो डीमार्ट हॉल था उसमें मैंने 2 नई चप्पल ली और लूँगी मैं इंशाल्लाह अब नई चप्पलें। मुझे बहुत शौक है नई चप्पलें और नए पर्स का। तो चलिए फिर, उज़्मा की तबीयत है ना अभी माशाल्लाह अच्छी है, आप लोग कमेंट करके पूछोगे मुझे पता है, इसलिए मैं पहले ही बता दे रही हूँ, अभी माशाल्लाह अच्छी है, दवा चालू है उसकी। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो और व्लॉग के साथ, अभी हम लोग बहुत बिजी और घर की हालत बहुत खस्ता है, पूरा पसारा फैला हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं दिखा रही कुछ भी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। तो फाइनली बाबू के बोलने पर अभी मैं ये सैंडल नहीं फेंक रही हूँ, मैं रुक गई, मैं नहीं फेंक रही हूँ, मेरा आइडिया अभी चेंज हो गया है। लेकिन ये यहाँ से टूट रही है, कहाँ है आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा क्या, ये यहाँ से टूट रही है, तो इसको चिपकाना पड़ेगा, मोची से करवाना पड़ेगा इसको सही, ये देखिए है ना। लेकिन पहनने के बाद पैर में आज भी अच्छी लग रही है, लेकिन मैं ना डर चुकी हूँ, वो वाइट चप्पल जो मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, और शेरू की शादी में, मेरे भाई की शादी में पहली बार पहनी थी, 7-8 बार मुझे चिपकाना पड़ा था, इसलिए डर लग रहा है। चलो अभी बाबू ने बोले कि मत फेंक, तो नहीं फेंक रही वाली चप्पल, रहने देती हूँ, खाली वो 3 फेंक देती हूँ।